हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्नर्स लैबेटी। देखिए, आज की इस वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। उससे जितने भी क्वेश्चन आपके अभी आने वाले एग्जाम रेलवे के ग्रुप डी में होंगे, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे हम सिंप्लीफिकेशन से। और एसएससी का भी एग्जाम आने वाला है, आपके एमटीएस का एग्जाम आने वाला है, और आप लोगों ने फॉर्म तो फिलअप कर ही दिया होगा, उम्मीद करते हैं कर दिया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो सिंप्लीफिकेशन से जितने क्वेश्चन बनते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके आरआरबी ग्रुप डी और एसएससी, इन सारे क्वेश्चन बनते हैं, उस क्वेश्चन को हम देखेंगे पार्ट वाइज करके। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, रूट अंडर में पूरा देखिए, होल रूट में 4 + √40 + √1000। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, ऐसे सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे? ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए इसको ना पीछे से तोड़ना पड़ता है, जो बड़ा वाला है ना उसको तोड़ना पड़ता है। ठीक, उसको तोड़ लीजिए। तो जान लीजिए कि आपका जो है 1000 का कितने का स्क्वायर, 10000 है ना, ये किसका स्क्वायर होगा, 100 का होगा। तो इसको क्या कर लेंगे, तोड़ लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका 100 प्लस ये होगा 44। जब 100 प्लस 44 कितना हो जाता है, 144। रूट अंडर 144 कितना होता है, 12 वैल्यू होता है। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। ठीक है, 12 प्लस 4 हो गया आपका 16। तो अंडर रूट 16 बराबर कितना, 4। ये आपका आंसर हो गया, अंडर रूट 16 बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना ही कर देना है, आपका आंसर आ गया। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए इसको कैसे करना है। इसमें क्या लिखा है, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 11 प्लस में है अंडर रूट 19 प्लस अंडर रूट 29 प्लस अंडर रूट 49। तो 40 पहले इसको तोड़ लेना है, 49 का क्या होता है, अंडर रूट 7। 7 प्लस 29 कितना हो जाएगा, 29 कीजिए कितना हो जाएगा, 9 + 7 = 16 = 36 का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 36 का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 के बाद क्या, 19 + 6 कितना हो जाएगा, 25। 25 का कितना हो जाता है, 5। 25 का कितना हो जाएगा, 5 टूट गया, 11 + 5 हो जाएगा आपका 16। 16 का कितना होता है, 4। ठीक है, 4 हो गया। और 4 + 5 कितना, 4 + 5 बराबर हो जाएगा आपका 9। अंडर रूट 9 यानी कि 9 का 3। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ये वाला 3, ये आंसर आपका हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करना है, आपको पीछे से जो है जितना जिसका स्क्वायर बनते जा रहा है उसको देखना है, और ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा। तो आपका जो स्क्वायर बनता हुआ रहेगा उसको आप देखिएगा, उसको धीरे धीरे करते चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, लिखा है 1 + 1 + 2 + 3 + .. 999 + 1000। फिर उसके बाद देखिए 999 प्लस घटते गया और +2 + 1 तक हो गया। तो देखिए एक तरह से क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है सीरीज में। उसके बाद क्या हो रहा है कि बीच में जो आ रहा है 1000 जो आया है आपका, ठीक है, 1000 के बाद उसके बाद वो क्या है, रेगुलर घटने लगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे, एक सीरीज में दिया रहा है सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है, और 999 + 1000 है, उसके बाद 999 + उसके बाद घटने लगा है, तो जो ये 1000 दिख रहा है आपको, ठीक है, उसका ना क्या करना है, स्क्वायर कर लेना है। जब 1000 का आप स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, 1000 का आप स्क्वायर कर लेंगे, इसको क्या कर लेंगे, इसका बीच वाला पकड़ना है, इसको स्क्वायर कर देना है, तो आपका ये वाला आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, कितना सिंपल था। जब भी ऐसा क्वेश्चन है आपको कुछ नहीं करना है, ज़्यादा बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, सीधा ये करना है, देखना है कि बीच में ये हो रहा है, घटते जा रहा है, फिर उसके बाद जितना बड़ा है उसका क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिए उसमें भी क्या है, इसमें आप थोड़ा सा इसी क्वेश्चन का आधार पर ये भी करेंगे, लेकिन इसको क्या करना है, देखिए इसमें दिया है 1 + 2 + 3 + .. 78 + 79 + 78 देखिए फिर घट रहा है, 79 के बाद क्या हो जाएगा, फिर 78 - 77 +.. 2 + 1 तक जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सीधा। उसमें क्या था कि रूट नहीं लगा था तो क्या स्क्वायर करना था, इसमें ऑलरेडी रूट लगा हुआ है तो रूट हटा देंगे डायरेक्ट, इसका क्या आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट आपका 79 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर ग्रुप डी में देखने को मिलेंगे, एसएससी वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखिए, तो उसका में क्या दिया है कि रूट अंडर 1 + 2 + 3 + .. (x-1) + (x - 1) + (x - 1) + .. 3 + 2 + 1 ठीक है, बराबर आपका दिया है 169। ठीक है, बराबर कितना दिया है आपका, 169 दिया है। ठीक है, तो जब 169 दिया था कि एक सीरीज में जा रहा है, सीरीज में x माइनस वन के बाद x यहाँ है, यहाँ पर रुका, उसके बाद फिर घटता जा रहा है सीरीज उसका x - 1 करके .. 3 + 2 + 1 तक। ठीक है, और बराबर दिया है 169, तो यहाँ क्या निकालना है आपके, बीच वाला यानी कि x वाला निकालना है,
तो यहाँ एक्स बराबर कितना हो जाएगा बताइए, ये ऑलरेडी रूट में दिया हुआ है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा डायरेक्ट 169 है, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 169, क्योंकि बीच वाला हम क्या बोले कि उसका स्क्वायर करना है, तो 169 बराबर में दे ही चुका है, तो इसका हटाने के बाद ये 169 रहेगा, तो 169 का डायरेक्ट आपका आंसर क्या हो जाएगा 169 हो जाएगा, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा आपका 169 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा में देखिए क्या लिखा है, 1+2+3 प्लस डॉट 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 2n-2 प्लस 2n-1 प्लस 2n, फिर देखिए 2n-1 2n-2, फिर यहाँ से क्या हो 2n के बाद क्या हो रहा है, घटने लग रहा है 2n के बाद, 2n तक बढ़ते जा रहा था, ठीक है, तो ये आपका 2n, तो 2n बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 90, तो आपका हो जाएगा 2n बराबर हो जाएगा 90, तो n बराबर कितना हो जाएगा 90/2, ठीक है, 90/2 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 45, 90/2 कितना हो जाएगा 45 आपका हो जाएगा। चलिए 45 हो गया, तो आपसे क्या पूछा है, 45 यानी कि रूट के हैं, तो 45 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 45 इंटू 45 कितना हो जाएगा 50 25, 5 4 20 और 2 22, ठीक है, 4 5 20 का 0, 4 4 16 2 18, कितना हो जाएगा 5 4 25 का 5, 2 5 20 2 22, ठीक है, 4 5 20 का 0 हाथ में 2 4 4 16 2 18, ये होगा 5 2 8 2 10 का 0 1 1 2 यानी कि 2025, तो कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा, आपका आंसर नहीं दिख रहा है, चलिए दिखाते हैं, इधर कर लेते हैं, नहीं दिख रहा है तो ठीक है, इसको हटाइए, यहाँ कर लेते हैं, ठीक है, ये 45 आया, 45 का स्क्वायर करना है, 45 इंटू 45 दिख रहा है अब, ठीक है, तो इसका क्या कर लेंगे, तब हो जाएगा 50 25, 5 4 20 और 2 22, ये 4 5 20 4 4 16 2 18, ठीक है, अब दिख रहा है ना, चलिए तो इसका कितना हो जाएगा 5 5 2 8 2 10 1 1 2 यानी कि 2025, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी वाला, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन से पूछे जाएंगे, आपके रेलवे वाले ग्रुप डी के एग्ज़ाम जो आ रहा है उसमें जोर जोर से लग जाइए आप लोग, जितनी मतलब जितना अच्छे से पढ़ेंगे जितना अच्छा रिविज़न होगा आपका तो सही रहेगा, ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन फिर लेकर आएंगे, चलिए मिलते हैं, थैंक यू, धन्यवाद।